एक हफ्ते में बिजली, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग ऑयल, एलपीजी महंगी, अंडे, टमाटर, प्याज, आलू, गुड़, दूध और दही की कीमत बढ़ गई। महंगाई की शरह में 1.81% इजाफा। कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 18.62% हो गई। चीनी, आटा, दालों, लहसुन की कीमत में कमी। अदारा शुमारियात की हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी। डॉलर की ब्रेकें फेल, अमरीकी करेंसी को रोकना मुश्किल हो गया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में 1.54 रुपये का इजाफा। डॉलर 175.73 रुपये का हो गया। महंगाई के वार मुश्किल हो गया खरीदना नई कार। गाड़ियों की कीमतों में 1 लाख से 3 लाख रुपये तक का होशरुबा इजाफा। ऑल्टो VX की कीमत 1,61,000 रुपये का इजाफा। नई कीमत 12,74,000 रुपये पर जा पहुंची। ऑल्टो VX LAGS की कीमत में 1,83,000 का इजाफा। नई कीमत 17,04,000 रुपये हो गई। कल्टस AGS की कीमत 2,97,000 रुपये बढ़ गई। महंगाई की मोटरवे पर गाड़ियों की तेज रफ्तार, शहरी कार डीलर्स सभी हुए परेशानी से दोचार। कार डीलर्स ने टैक्स पॉलिसी को कसूरवार ठहरा दिया। सुजुकी के बाद दीगर गाड़ियों में मुतवक्के इजाफा होने का इम्कान। आवाम डीलर्स महंगाई के सुनामी से रहने लगे हर वक्त परेशान। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम करे जिनकी वजह से गाड़ियों की कीमतों में कुछ कमी हो। गाड़ियाँ सर डेढ़ दो लाख महंगियाँ हो गई हैं। गरीब की पहुँच से तो दूर है, ठीक है, तो अब गरीब बंदा क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकता। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि ना ही फ्यूल पूरा हो रहा है उसका और ना ही गाड़ी हम परचेज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ आवाम के रिलीफ के लिए कोई ऐसे इकदाम करे कि जिससे आवाम को फ़ायदा हो, महंगाई में कमी आए। मोटरसाइकिल की कीमतों को भी पर लग गए। महंगाई ने मोटरसाइकिल खरीदना भी मुश्किल कर दिया। मोटरसाइकिलों की कीमतों में 13 से 15 हज़ार रुपये का इजाफा। होंडा CB 70 मोटरसाइकिल की कीमत 3 माह में 80,000 से बढ़कर 95,000 रुपये पर जा पहुंची। चाइना की मोटरसाइकिल 52,000 से 65,000 रुपये हो गई। जतोई में मोटरसाइकिल डीलर और ग्राहक परेशान। महंगी चीनी फरोख्त करने वाले हो जाएं होशियार। मुल्तान इंतजामिया ग्राफोशों का करने लगी शिकार। गल्ला मंडी में महंगी चीनी फरोख्त करने वाले 5 डीलर्स की दुकानें सील। रेट लिस्ट अवेजान ना करने वाले भी शामिल। फंड्स का इजरा ना होने से तरक्याती मंसूबों की लागत में 15% इजाफा। पंजाब हुकूमत का तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए अहसन फैसला। नेशनल असेंबली के हलकों को 3.5 अरब के फंड्स दोबारा इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। विफाक की हुकूमत ने कौमी असेंबली के हलकों में तरक्याती कामों के लिए 3 अरब के फंड्स दिए। मुल्तान शहर की डेवलपमेंट के लिए जापान हुकूमत ने 73 अरब रुपये का तोहफा दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने शाहरुख ने आलम में जच्चा बच्चा अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। 27 कनाल से ज्यादा रकबे पर मोहित 4 मंजिला अस्पताल 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। 7 अरब 87 करोड़ 7 लाख रुपये लागत आएगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अस्पताल की तामीर से 1,190 अफराद को रोजगार मिलेगा। निकाह के लिए दुल्हन और दुल्हा का खत्म नबूवत सर्टिफिकेट देना लाजिम करार। निकाहनामे में खत्म नबूवत के खात्मे का खाने का होगा शुमार। महकमा बल्दियात का मुस्लिम फैमिली लॉ में तरमीम का फैसला। निकाहनामे पर दस्तखत करने वाले गवाहान को भी खत्म नबूवत का सर्टिफिकेट देना होगा। फैसला पंजाब असेंबली की मंजूर शुदा करारदाद की रोशनी में किया गया। मुल्तान के ताजिर और FBR आमने सामने। FBR ने 1,000 मुरब्बा फीट की दुकानों पर पॉलिसी वाजे कर दी। नई टैक्स पॉलिसी के बाद इंटरलिंक सिस्टम के तहत मॉनिटर किया जाएगा। नई टैक्स इंटरलिंक पॉलिसी के खिलाफ ताजिर सराफा एहतजाज। FBR का पॉलिसी के खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंदिया। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद और DC मुल्तान आमिर करीम खान का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। अद्वियात के स्टॉक, तिब्बी सहूलियात और दीगर अमूर का जायजा लिया। मरीज बच्चों के लवाहिकीन से भी सहूलियात बारे इस्तफसार किया। शहरे औलिया को खूबसूरत बनाने का अज़्म। नॉर्दर्न बाईपास की कुशादगी का अमल मुकम्मल। नॉर्दर्न बाईपास आबशार को चला दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का नॉर्दर्न बाईपास चौक का दौरा। चौक पर यादगार बनाने का हुक्म भी दिया। हम दुआ गुआ हैं इस आस्थाने की वापसी से, सज्जाद खान की नस्बत से
यहाँ की आवाम से जो प्यार मिला है, बल्कि हमारे यहाँ तो फारसी का कलाम होता है लेकिन इस खत्ते में सराखी खिताब होता है जिसमें बड़ी मिठास, फिर जिस आस्थाने से नस्बत है उसकी मिठास हमें सुनने के बाद यहाँ बड़ा एहसास और मोहब्बत और शफकत के साथ प्यार के साथ लोगों ने इस्तकबाल किया है। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। सराकी जबान के रोमी अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स, लाखों अकीदतमंदों की दरबार पर हाजिरी, ख्वाजा फरीद फाउंडेशन के जरे तमाम वसी और अरीज लंगर का अहतमाम, जुलूस चादर पोशी कसरे फरीद से निकाला गया। वली है दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा और ख्वाजा अली मोइन कुरेजा की शिरकत, हक फरीद या फरीद किनारे, महफिल समा का खसूसी अहतमाम, कवालों ने कलाम फरीद सुनाकर समा काम किया। मुस्तहिक बच्चे भी इल्म की रोशनी से होंगे मालामाल, रहमा इस्लामिक रिलीफ ने लियाकतपुर में दिखाया कमाल, बीच जाहिर पीर में स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। पानी मलिक मुरीद ने कहा कि स्कूल में बच्चे बिना किसी फीस के तालीम हासिल करेंगे। और लाहौर ग्रामर स्कूल डी खान में सजा स्पोर्ट्स गाला, बच्चों का जोशो खरोश दीदनी, तलबा के मवैन खेलों के मुख्तलिफ मुकाबले, फातहीन में इनामात तकसीम किए गए।